Good morning, student. Today, in class 3 subject maths, we are continue our exercise 4th B. Question number 2, उसका जो C1 है, वो हमारा बाकी है, तो इस वीडियो में हम उसको सॉल्व करते हैं. 9 8s are 72. And 72 multiply 1. ठीक है, तो आंसर 72 ही आता है. लेकिन 72 में से हम माइनस 0 करें, मतलब 72 माइनस 0 इज इक्वल 72. जब कुछ कट हुआ ही नहीं है तो सेम नंबर ही रहेगा, तो आंसर इज 72. समझ में आ गया बच्चों? 9 मल्टीप्लाई 8 है, मल्टीप्लाई 1 एंड माइनस 0 है. तो पहले हम फर्स्ट वन सॉल्व करेंगे 9 8s are, तो 9 8s are 72. उसके बाद मल्टीप्लाई 1 करें तो 72 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 72, और 72 माइनस 0 करेंगे तो आंसर 72 ही रहेगा. हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट, उसमें A1 है, 8 स्पाइडर हैव डैश लेग्स. बच्चों यहां पर हमें 8 स्पाइडर्स के लेग्स फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? आप क्या करोगे, रिपीटेडली एडिशन करोगे, 8 + 8 + 8 + 8, है ना. लेकिन यहां पर हमें थोड़ा सिस्टमेटिक जाना है. आपको पता होना चाहिए कि वन स्पाइडर हैव 8 लेग्स, ठीक है. एक स्पाइडर के लेग्स कितने होते हैं? 8 होते हैं, है ना. देन हाउ मेनी लेग्स ऑफ 8 स्पाइडर, तो 8 स्पाइडर के लेग्स कितने होंगे? 8 स्पाइडर और उसके 8 लेग्स इंटू 64, ठीक है ना. 8 × 8 = 64. या तो आप ऐसे करोगे, 8 + 8 + 8, ऐसे कितने टाइम करोगे? 8 टाइम्स, है ना, तो भी आंसर 64 ही आएगा. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 9 octopuses have how many legs. 9 ऑक्टोपस के कितने लेग्स होते हैं? तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि 1 ऑक्टोपस हैव 8 लेग्स. देन हाउ मेनी लेग्स ऑफ 9 ऑक्टोपसेस, तो हम क्या करेंगे, 9 × 8 करेंगे. तो 9 × 8 करेंगे तो 9 8s are 72, है ना, तो आंसर आएगा 72 लेग्स. या तो आप 9 जो ऑक्टोपसेस है तो उसमें 8 + 8 + 8 ऐसे 9 टाइम प्लस करोगे तो भी आंसर 72 आएगा. बच्चों ये जो वर्क है वो आपको मैथ्स की नोटबुक में करना है, ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ए और बी, ठीक है, और जो D1 है वो भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आएगी, तो आपको रफ वर्क में आप कर सकते हो. थैंक यू.